नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल फ्रॉम द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी। पूरे भारत देश में से हर एक राज्य में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि 12th बोर्ड एग्जाम के बाद वो लोग अप्लाई करना चाहते हैं बीसीए और बीबीए के कोर्स के लिए। तो मैं आप सभी को बता दूँ, इंडिया की टॉप की यूनिवर्सिटी कौन सी है जहाँ पर आप बीसीए और बीबीए के लिए अप्लाई कर सकते हो बैचलर डिग्री कोर्स के लिए। तो एक यूनिवर्सिटी आती है द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी, और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और वर्ल्ड लेवल पर इस यूनिवर्सिटी का नाम है। आप गूगल पर सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं ये जो यूनिवर्सिटी है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप बीसीए और बीबीए के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो एमएस यूनिवर्सिटी एक बेस्ट ऑप्शन है। बीबीए की हम बात करेंगे, बीबीए में अगर आपको एडमिशन लेना है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट से, जो भी स्टूडेंट्स 12th बोर्ड के एग्ज़ाम पास कर रहे हैं वो बीबीए और बीसीए में एडमिशन किस तरह ले सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीबीए कोर्स की। तो बीबीए में अगर आपको अप्लाई करना है एमएस यूनिवर्सिटी में, तो बीबीए यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो कोर्स है ये फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का एक कोर्स है और फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का डिपार्टमेंट है बीबीए एमएस यूनिवर्सिटी के अंदर। बीबीए के अंदर ओवरऑल कितनी सीट है, तो फर्स्ट ईयर बीबीए में 200 यानी कि 200 सीट है, और इस 200 सीट के लिए एवरी ईयर लगभग 3000 प्लस यानी कि 3000 से भी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, और बीबीए के लिए एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है। जून मंथ यानी कि जून स्टार्टिंग में 10 जून 15 जून के बाद जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम को जो भी स्टूडेंट्स क्लियर कर लेता है उसके बाद उन सभी स्टूडेंट्स का ग्रुप डिस्कशन होता है और पर्सनल इंटरव्यू होता है। ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू जो होता है वो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स और एमएस यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू को क्लियर कर लेता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम को, ये तीन फॉर्मेट जो होती है मेन होती है, ये तीनों फॉर्मेट को आप क्लियर कर लेते हो अच्छे स्कोर के साथ, तो आपका जो एडमिशन है बीबीए डिपार्टमेंट में हो जाएगा इन एमएस यूनिवर्सिटी। अब बात रही कि बीबीए की फ़ीस क्या होती है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है, तो तीन कैटेगरी में बीबीए की जो फ़ीस है वो डिसाइड होती है। फर्स्ट कैटेगरी आती है नॉर्मल पेमेंट कैटेगरी, तो नॉर्मल पेमेंट कैटेगरी में जो फीस होती है वो 28,000 यानी कि 28,000 के आसपास समथिंग होती है। सेकंड पेमेंट कैटेगरी आती है जनरल पेमेंट कैटेगरी, तो जनरल पेमेंट कैटेगरी जो होती है वो होती है 65,000 समथिंग यानी कि 65,000 के आसपास। और लास्ट जो पेमेंट कैटेगरी आती है यानी कि थर्ड पेमेंट कैटेगरी, वो फीस होती है 1 लाख प्लस यानी कि 1 लाख से भी ज़्यादा, जिसको हम बोलते हैं हायर पेमेंट कैटेगरी। तो ये तीन फीस पेमेंट कैटेगरी है बीबीए के कोर्स के लिए। अब आपको कौन सी फीस पेमेंट कैटेगरी में एडमिशन मिलेगा, तो ये डिपेंड करता है आपके एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर पर, आपके ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के स्कोर पर, और ये फाइनल होता है। ये तीनों फॉर्मेट जब आपका हो जाएगा उसके बाद जब फाइनली मेरिट लिस्ट आएगा तब आपका नाम जिस भी पेमेंट कैटेगरी में आएगा उस समय आपका ये जो नाम है वो फाइनल होता है पेमेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब बात रही बीसीए की, बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर आपको अप्लाई करना है, आप लोग अप्लाई करना चाहते हो एमएस यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम जो है वो देनी होती है, एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करनी होती है। एंट्रेंस एग्जाम कब होती है, तो सेम बीबीए की जिस तरह एंट्रेंस एग्जाम होती है जून स्टार्टिंग मंथ में 10-15 जून के आसपास, तो बीसीए की भी एग्जाम तभी होती है। हाँ, लेकिन एग्जाम क्लेश नहीं होती है, बीबीए की एग्जाम पर्टिकुलर किसी एक दिन रहेगी और बीसीए की एग्जाम पर्टिकुलर किसी एक दिन रहेगी, दोनों एग्जाम की डेट कभी भी क्लेश नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बीसीए के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है। बीसीए डिपार्टमेंट में कितनी सीट है, तो ओवरऑल एमएस यूनिवर्सिटी में बीसीए डिपार्टमेंट में 240 यानी कि 240 सीट है, और बीसीए कोर्स फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर आता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये बैचलर डिग्री कोर्स है फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर आता है। बैचलर डिग्री बीसीए के कोर्स की फ़ीस क्या होती है, तो बीसीए कोर्स की फ़ीस जो होती है दो पेमेंट कैटेगरी में होती है, एक पेमेंट कैटेगरी है नॉर्मल पेमेंट कैटेगरी जिसकी फ़ीस होती है 45,000 to 50,000 यानी कि 45,000 से 5,000 के समथिंग, सॉरी 45,000 से 50,000 के समथिंग, 45,000 to 50,000। और उसके बाद जो सेकंड पेमेंट कैटेगरी है वो हायर पेमेंट कैटेगरी है जो 1 लाख to 1 लाख 10,000 यानी कि 1 लाख से 1 लाख 10,000 के बीच हायर पेमेंट कैटेगरी है बीसीए के कोर्स के फीस के लिए। तो ये दो पेमेंट कैटेगरी है, और ये कैसे डिसाइड होगी, तो बीसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करनी है और एंट्रेंस एग्जाम में आपको अच्छे नंबर लाने हैं। जितने भी अच्छे आप नंबर लाओगे
उस हिसाब से आपको जो फीस पेमेंट कैटेगरी है वो वहाँ पर दी जाएगी 240 सीट के लिए। और 240 सीट के लिए BCA डिपार्टमेंट में लगभग 2500 यानी कि 2500 से भी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं और क्या प्रिपरेशन करना होता है। तो इफ़ आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, सेल्फ स्टडी करो घर पे बैठे बैठे, तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। BBA का सिलेबस मैं आपको बता दूं कि BBA के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, तो मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, ये चार जो टॉपिक होते हैं ये चार मेन टॉपिक होते हैं। तो ये आपको इसमें से जो स्टडी है वो करनी रहती है। BCA की हम बात करेंगे तो BCA में कंप्यूटर अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये जो टॉपिक्स हैं ये सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं, इसमें से आपको प्रिपरेशन करना रहता है। और BCA में कोई भी ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू नहीं होता है, वो भी मैं क्लियर कर दूं। इफ़ आपको अगर इसका स्टडी मटेरियल चाहिए, आप प्लान कर रहे हो MS यूनिवर्सिटी में BCA और BBA के लिए एडमिशन लेने के लिए, तो हम आपको जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इस स्टडी मटेरियल के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, हर एक सिलेबस का जो भी टॉपिक है उसका MCQ मिलेगा विद सॉल्यूशन, और पास्ट ईयर्स के जो पेपर है वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उस मटेरियल के साथ में। पास्ट ईयर्स के जो पेपर होते हैं यूनिवर्सिटी कभी भी ऑफिशियली वेबसाइट पर डिक्लेयर नहीं करती है, तो ये जो मटेरियल और पास्ट ईयर्स के पेपर है ये गुजरात स्टेट और इंडिया लेवल के जो भी एक्सपर्ट हैं BBA और BCA के, उनके सजेशन और उनके एडवाइस से बनाया गया है, उन प्रिपेयर किया गया है, ताकि स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी और सेल्फ प्रिपरेशन कर सके घर पर बैठे बैठे। दूसरी बात मैं आप सभी को बता दूं कि इस मटेरियल की जो प्राइस है बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, नॉमिनल कॉस्ट है 1500 यानी कि 1500 रुपये इसकी प्राइस है। इफ़ आप वडोदरा से हो तो आपको ये हैंड टू हैंड कलेक्ट आप कर सकते हो, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सिर्फ आपको नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आपका नाम और सरनेम मैसेज करना है और कौन से कोर्स के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो लिख के भेजना, ताकि हम आपको एड्रेस शेयर कर सकें। इफ़ आर यू फ्रॉम अदर स्टेट्स तो आप व्हाट्सअप पर आपका नाम सरनेम मैसेज कर सकते हो और स्टडी मटेरियल कौन से एंट्रेंस एग्जाम के लिए चाहिए वो लिख के मैसेज कर सकते हो, ताकि हम आपको अपडेट कर सकें। और आप वाया कुरियर के थ्रू से भी मंगवा सकते हो, लेकिन जो कुरियर का चार्ज होगा वो सेपरेटली अलग से लगेगा। तो ये थी फुल इन्फॉर्मेशन, तो मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी रिगार्डिंग BBA और BCA कोर्स की। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें, ताकि सभी को हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। नमस्ते।